So everyone look at the blackboard. Today is the EMF. We are going ahead with this topic, that is the system of forces. ठीक है? Basically जो chapter का नाम है, आप सब लोग यहाँ देखिए. No need to be note down. Everything is in your book. Just to be understand what I am saying. जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा समझ आएगी. इसके बाद जब मैं मेडिकल कराऊंगी और अगर आप नहीं समझोगे ना तो फिर आप नोट ही करते रहे, तो कुछ समझ नहीं आएगा. और मेडिकल लगाने नहीं आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर कहीं पर कुछ बैलेंस ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे यूज होगा. मैंने तुम्हें बताया था कल जो बच्चा आए थे कि इलेक्ट्रिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज. ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी. शुरू के दो चैप्टर्स में उसमें यही चले. अब इसके आगे नोट मत करो. चैप्टर का जो नाम है दैट इज अ फोर्स एनालिसिस, बलों का विश्लेषण. हमारा तो क्योंकि हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं. मैकेनिक्स में क्या होती है? वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है. तो उसमें क्या होता है? आपका फोर्सेस ही होती है. अब वो किसी फोर्स को लगने से या तो आपकी चीज बैलेंस हो सकती है या अनबैलेंस हो सकती है. दो ही चीजें हो सकती है ना. या तो वो रुक जाए या वो गतिमान हो जाए, यानी या तो वो स्टैटिक हो जाए या वो डायनेमिक हो जाए. समझ आ गया मेरी बात? अब आपके फोर्सेस कैसे होंगे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक था कल, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय. निकाय का मतलब आपको पता है समूह, ग्रुप. ठीक है, देखो हिंदी में थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाना पड़ता है तो समझ लेना. वैसे मतलब ऐसा नहीं कि मेरी हिंदी बहुत खराब है. ठीक है, कोई अंग्रेज तो नहीं है. ठीक है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा आपका ना फ्लो होता है पढ़ाने. ठीक है, तो मैं कंबाइंड से पढ़ा देती हूँ कि आपको समझ आ जाए. और हिंदी इतना नहीं कि मुझे वो टेक्निकल हिंदी नहीं कि मुझे निकाय का मतलब जो मुझे समझ आया यहाँ से समझ आया वो मैंने आपको सिर्फ इतनी बात समझ. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में बल निकाय में हमारी किसी चीज पर किसी पिंड पर, मैंने आपको दृढ़ पिंड और सिंपल पिंड के बारे में बताया था. जब भी हम कोई चीज की स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में तो हम हमेशा उस वैल्यू को या फिजिक्स भी जो पार्ट है मैकेनिक्स के पार्ट है तो उसमें भी आप मैकेनिक्स पढ़ते हो. फिजिक्स मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है. ठीक है, तो जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जब फिजिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ते हो, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप रिजिड पिंड की बात करो, रिजिड बॉडी की बात करते हो या दृढ़ पिंड की बात करते हो. अगर आपने सिंपल पिंड भी कहा है, बॉडी भी कहा है, ऑब्जेक्ट कहा है, तो उसको रिजिड बॉडी मानते हैं. रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है या दृढ़ पिंड वो पिंड होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स लगाने पर वो अपनी दिशा में, अपने आकार में, अपने आयतन में कोई परिवर्तन ना हो. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या करना, हम क्या करते हैं कि हम जब मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स का मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है. अब आपको चलती भी गाड़ी को रोकता है तो आप एक्सीलरेटर दबाते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स को लगा रहे हो, कितना एक्सीलरेट कर रहे हो, कितनी वेलोसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो. ऐसे ही तो होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नोन एज अ एक्सीलरेशन. ठीक है, तो हम यही काम, जैसे अब मैं हूँ, अब मुझे पता है मुझे यहाँ से चलना है, मुझे आगे मूव करना है, तो मैं लगाऊंगी ना फोर्स, उसका कुछ बल लगाऊंगी, मुझे किसी चीज को धक्का देना है. अब ऐसे धक्का देने से तो चलेगा नहीं, तब तक मैं इसको अच्छा दूंगी बल लगा के. तो अब क्या होता है, आपकी दो स्टेट आती है. आपको पता लग गया कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में दो ही स्टेट हो सकती है. स्टेट का मतलब होता है अवस्था. ठीक है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा समझ लेंगे, वो कैबलरी यहीं से आपकी इंप्रूव. ठीक है, डिक्शनरी बैठ कर कोई याद नहीं करता ना कभी ऐसी इंग्लिश अच्छी होती. ठीक है, तो उसमें आपकी दो ही स्टेट आती है हमेशा इस ब्रह्मांड में, या तो कोई चीज रुकी हुई है या तो गति कर रही है. अब गति कैसे भी कर सकते हैं, हवा में लटकी हुई है तो भी तो गति कर रही है. हवा में लटके पेंडुलम रुका हुआ, पेंडुलम खराब हो गया तो रुक गया, और सही वर्किंग कंडीशन में चल रहा है. दो ही कंडीशन आ सकती है, दो ही अवस्था आ सकती है, या तो गति की अवस्था या स्टैटिक. ठीक है, विराम अवस्था, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक या डायनेमिक. स्टैटिक का मतलब है किसी वस्तु पर कितने भी बल लग रहे हैं, अगर बल लगने पर वो वस्तु साम्यावस्था में है तो वो दो ही रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकती है. या तो साम्यावस्था में होने के कारण वो गति करती रहेगी अपने उसी वेग से, या फिर साम्यावस्था में लगने वाले बलों के कारण
जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे, वो क्या करेगा, वो विराम को क्या जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा, यानी स्टैटिक। तो या तो वो स्टैटिक हो सकता है या वो डायनामिक हो सकता है। ये समझाया था मैंने। फिर मैंने डायनामिक में दो चीज बताई, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में गति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है उनका पता लगाते हैं, लेकिन काइनेटिक्स में हम उन कारणों का पता बिल्कुल नहीं लगाते हैं जिसके कारण उसमें गति उत्पन्न होती है। समय में गति से मतलब होता है गति के कारणों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने कल बाकत वाले बच्चों को बताया था कि मैंने दो चीजें घर से पढ़ाई थी, कल मैंने आपको बताया जो बाकत वाले उसमें ये चीज मेंशन है, और अगर नहीं मेंशन है तो आज लिंक 6 की 6 वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो मैंने अब तक पढ़ाया आज से पहले तक, कल तक आज तो आप आई। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम में जो फोर्स है वो कितने भी टाइप के हो सकते हैं, तो हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जो मैंने समझाया था आप उसको जरा सुन लेना। फोर्सेस सिस्टम, फोर्सेस मतलब उस वस्तु पर लगने वाले कितने भी बल, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, बल कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बल जो है वो आपके पहले तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो समतलीय बल या असमतलीय बल। इसको मैंने बहुत ईजीली बहुत शॉर्ट में समझाया था, अगर आपको समझ आए तो ये बुक देख लो, इस डब्बे की तरह होगी, आप डस्टर देख लो इसी तरीके का होगा, ये ले लो बोर्ड, इसके भी 6 फेसेस हो। ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, तल है, प्लेन या तल। ठीक है, अब मैंने कहा सबसे पहले हम इस पर डिस्क्राइब करते हैं, इसको मैं डस्टर से समझा देती हूँ। ठीक है, समझ आ जाएगा। समतलीय बल, समतलीय का मतलब है एक ही तल में लगने वाले, समान तल में लगने वाले सारे फोर्सेस, एक ही तल में लगने वाली, किस तल पे जितने बल लग रहे हैं, मैंने कहा 1, 2, 3, 4 तो एक इसी ऊपर वाले में लग रहे हैं ना। अब मैंने कहा कि दो फोर्स यहाँ लग रहे हैं और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये इसका पहला तल था, ये इसका दूसरा तल था, तो तल अलग अलग हो गए, तो ये हो गया असमतल। एक ही तल में लगने वाले सभी बलों को कहते हैं समतलीय बल या कोप्लैनर फोर्सेस, और अलग अलग तल पर लगने वाले बलों को हम क्या कहते हैं, असमतल। और कुछ कहते हैं, डायग्राम बनाओ, अभी नहीं सुनो, डायग्राम बनाया, बल एक ही तल में, दो असमतलीय बल दिखा। ठीक है, हमने कहा ये आपको ब्लॉक, ऐसे समझाया ना आपको, ऐसे समझाया, ये पहला है, मैंने कह दिया यहाँ पे फोर्स लगे, फिर मैंने कहा कि मतलब दूसरे में, इस वाले में मैं इसको दूसरा प्लेन मानूँ, तो असमतल ही होगा। अच्छा, बना लो इसको, बुक से देखोगे विदिन 1 सेकंड समझ आ जाए, आगे मेरे पास समझ बिल्कुल वही लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, फिर है समतलीय बलों में भी, बलों में भी एक तो क्या तल से आपने कोरिलेट कर दिया, फिर आपको आपको समझ नहीं आ रही थी, तू तो सो रहे थे, फिर समतलीय असमतलीय में भी आपको क्या आएगा, एक तो आपका आएगा कोप्लैनर संगामी, संगामी बल, इसको कंकरेंट को बोलेंगे संगामी, पहले मैं आप इस वर्ड का मतलब बताऊंगी तब बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको समझाने से पहले, और एक होगा आपका नॉन असमगामी, और एक होगा आपका समान। सुनते चले जाओ, ये आएगा जरूर, एकदम समझ आ जाएगा। इसी तरह संगामी, असंगामी, समान। ठीक है, जो संगामी बल है अगर वो समतलीय है तो समतलीय संगामी, अगर समतलीय है लेकिन असंगामी, समतलीय समान। ठीक है, उसके बाद यहाँ चले हम असमतलीय संगामी, असमतलीय असंगामी, असमतलीय समान, इतनी कहानी। अब कहानी आती है कि अगर संगम वर्ड का पता लग, मतलब पता लग जाए तो काम खत्म, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, डायग्राम बनाने विदिन 2 मिनट्स में खत्म। संगामी बल वो बल होते हैं जो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जो एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, मिल जाते हैं। संगामी जो एक बिंदु से होकर ना जाए उनको क्या करते हैं। ठीक है, अब ये तो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो गया। आपने कहा कि मैम आपने ऐसा ही तो कहा कि ये तो है ही समतल, तो एक ही तल पे लगने होगा, एक ही तल पे बल लगने वाले। ठीक है, मैंने कहा ये बल एक बल, फिर इसी तल में दूसरा बल, फिर इसी तल में तीसरा बल, फिर इसी तल में चौथा बल, मैंने कह दिया ये कुछ इस तरह ऐसा अलग अलग, अब ज्यादा समझ।
फिर आपने क्या करा इनको मिला के देखा, तो एक ही पॉइंट सौ के जा रहा है ना, तो क्या होगा संक्रमण। वो बल जब उनको बंद हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग बुक से लेके बैठे, बुक से पढ़ना तो गलत पढ़ना, बुक से अलग नहीं पढ़ा सकते। और वही बच्चे पूरे सेमेस्टर नहीं समझ पाते, इनको बुक खोलने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब मैं बुक का ज्यादा समझ आ रहा, मैं इतना बेकार पढ़ा रही हूँ। समतलीय एक तल में लगने वाले जितने भी बल हैं, एक तल में लगने वाले जितने भी बल हैं, यदि वो एक ही बिंदु से होकर गुजरे, उनकी क्रिया रेखाएं जो हैं, अगर वो एक ही बिंदु से होकर पास हो, तो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, प्लेन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन, क्रिया बिंदु, क्रिया रेखा और दिशा। ठीक है, तीन से तीन के ही डिफरेंस पे आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस डिपेंड करता है। मैंने वीडियो आज डाल दूंगी, डरी हुई नहीं खोलना। ठीक है, तो कल जो समझाया था 13 मिनट की वीडियो को देख रहे समझ आ जाएगा, ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है, लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन और डायरेक्शन, मतलब कितनी क्या दिशा होगी, कौन सा एंगल होगा, डायरेक्शन का मतलब है एंगल। ठीक है, क्रिया रेखा, क्रिया बिंदु और दिशा, इन तीनों के बिहार पे आपने इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ एक तल में लगने वाले बल, एक तल में लगने वाले बल, लेकिन वो एक क्रिया रेखा से ना होगी, जैसे मैंने कहा एक तो ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये, तो आप उसको कैसे भी निकाल लो, कैसे भी बना लो, नहीं एक ही तल में लगने वाले बल, यदि एक एक ही तल में लगने वाले बल, क्रिया रेखा तो एक ही रहेगी, वो एक बिंदु से होकर पास ना हो, क्रियाशील तो एक ही डायरेक्शन, मैं अगर ये कहता हूँ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो क्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या है, लेकिन एक बिंदु से होकर ना जाए, यानी संगामी का मतलब संगम, मतलब मिलना, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कंकरेंट फोर्सेस। एक ही तल में लगने वाले सारे बल जो हैं वो एक दिशा से ना घूम रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमतलीय, सॉरी समतलीय असमतल। ठीक है, कोप्लैनर नॉन कंकरेंट, समझ आ गई मेरी बात। अब इसे समांतर, एक ही तल में लगने वाले बल जिनकी क्रिया रेखा भी अलग हो, जिनकी दिशा भी अलग हो और जिनकी क्रिया बिंदु भी अलग हो, ठीक है, इन ये लाइक फोर्सेस भी कह सकते हैं, लाइक हो सकता है कि एक ही दिशा में हो सारे, और हो सकता है अनलाइक, हो सकता है अलग अलग दिशा, ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे, जो कभी भी एक दिशा पर एक दूसरे को नहीं काटते, सॉरी एक बिंदु पर नहीं काटते, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल। समझ आ गया, ओके दैट्स। अब हम चलते हैं असमतलीय बल, असमतलीय बल को हम यहाँ से समझते हैं। अब सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिक्कत आएगी, ये तो समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल समझना हो जरूर। मैंने कहा सबसे पहले बात आ रही है असमतलीय बल लिखना आपको, तो आप समझ लो कि अलग अलग तल, तो पहला बल पहला तल ये लिखा हुआ। उसके बाद उसने कहा कि नॉन कोप्लैनर तो है पहला तल दूसरा तल, ठीक है, पहला तल और दूसरा तल, फिर उसने कहा कि पर वो कंकरेंट है, वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ आप बुक में देखकर समझ जाओगे, मैं आपको टेक्निकली समझा रही हूँ कि एक बल तो आपका इस तरफ को काम कर रहा है, इस तरफ को, और एक बल आपका इस तरफ को काम कर रहा है नीचे की तरफ, और एक बल आपका ये समझ लो कि यहाँ के बाद यहाँ काम कर रहा है इस तरफ, तो एक दो प्रतीक, और जब आप इनको तीनों को इस पॉइंट पर मिलाओगे मिल जाएंगे, मैंने कहा कि एक तो इस तल में चल रहा है पहले तल में, एक दूसरे तल में लगा हुआ है और एक तीसरे तल में लगा हुआ है, ऐसे तो जब आप इसको एक पॉइंट में मिलाओगे तो समझ आ रहा है मेरी बात, अलग अलग हो गए लेकिन वो एक पॉइंट में मिल रहे हैं, तो एक ही तल पर लगने वाले, क्योंकि आपको इतना समझना सफिशिएंट स्किल को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स का एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एक ही तल पर लगने वाले अलग अलग तल पर लगने वाले बल यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो उनको हम क्या कहेंगे, असमतलीय कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, फिर बाकी तो आप दिखा ही सकते हो कि एक इस तल में दिखा दो,
एक स्थल में दिखा दो, ये कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अलग अलग तरफ तो दिखा दोगे, अलग अलग तरफ रखने वाले बल यदि एक दूसरे होकर ना गुजरे तो हमको क्या कहेंगे, नॉन कन्वेक्टिव फोर्सेस। फिर लास्ट आता है नॉन कन्वेक्टिव फोर्सेस, अलग अलग तरफ लगने वाले बल यदि एक दूसरे से समांतर हो, जिनकी दिशा समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकता है, मतलब वो लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन कोप्लैनर टाइप। समझ आ गया सबको की बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है आपका कोलिनियर फोर्सेस, समरेख बल। समरेख बल वो समतले में हो सकता है, समतले में होते हैं, इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। समरेख, समरेख का मतलब समझ रहा है, एक ही रेखा उसको इंग्लिश में बोलेंगे कोलिनियर, यानी जो लीनियर रेखीय, यानी एक ही रेखा पर लगने वाले बल, एक ही रेखा पर लगने वाले, एक ही रेखा तल बल से सब होता है, ठीक है। एक ही तल, एक ही रेखा पर लगने वाले बल क्या कहलाएंगे, समरेख, ठीक है। समझ आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आइटम डालते हैं, साम्यावस्था वगैरह पढ़ा है अभी अभी, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, बस पूरी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसमें बताने का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। अब आप सुन लो, टॉपिक का नाम मैं लिख देती हूँ, उसको समझाते चले जाओ, क्योंकि यार इस बार ऐसे स्टडी है ना, वो इंटरेस्ट जो क्रिएट करना है ना वो इस टॉपिक के बाद हो, तो मैं उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही कि अभी आज मैं अभी ये टॉपिक हो गया और फिर कल मैं फिर इसको पकड़ के बैठूँ। कल मुझे पैरेलल बनाना और अट्रैक्टिव फोर्सेस का नियम कराना है, दो कराना है हर हाल में, और परसों मैंने फाइनल भी प्रैक्टिस कर दी। आज 29 है, देखिए है बलों की साम्यावस्था, हेडिंग डालो बलों की साम्यावस्था या साम्यक बल, इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, इसमें सबसे पहले आएगा आपका साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम, तीन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में, हमें तीन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको, साम्यावस्था, बलों की साम्यावस्था या साम्यक बल, बलों की साम्यावस्था या साम्यक बल, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें आएंगी, पहला आएगा हम डिस्कस करेंगे साम्यावस्था, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे साम्यक बल, साम्यक बल। और थर्ड है आपका बेसिक प्रोपोजिशन या बलों की साम्यावस्था का मौलिक सिद्धांत, ठीक है। तीन चीजें डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले है आपका इक्विलिब्रियम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुनिए इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में आप क्या बताते हैं, साम्यावस्था सबको समझ आ रहा है। साम्यावस्था वो स्थिति है जब किसी पिंड पर, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको समझ आ जाएगा अगर आप सुनो, जब किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक बल लगते हैं, दो या दो से अधिक बल लगते हैं और उन बलों के प्रभाव के कारण, उन बलों के प्रभाव मतलब बलों का योग करने के बाद जो प्रभाव उत्पन्न होता है यानी रिजल्टेंट फोर्स, समझ आ गया ना। चार बल लगेंगे तो चार बलों का रिजल्ट एक सिंगल फोर्स निकालोगे आप, उन चार बलों को का प्रभाव से एक सिंगल फोर्स निकालोगे। सिंगल फोर्स निकालने के बाद में जैसे आपके अलग अलग परसेंट नंबर है आप सब्जेक्ट में, फिर ग्रैंड टोटल आता है 600 में से कितना है,
ठीक है, उसमें से कितने नंबर आपके आए, तो वो आपकी परसेंटेज होती है 60% या 600 नंबर या 400 नंबर जो। यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल दो या दो से अधिक बलों के कारण उत्पन्न प्रभाव के कारण यदि कोई वस्तु क्या करती है, साम्यावस्था में आती है, लगने वाली वस्तु साम्यावस्था में आती है, तो साम्यावस्था पे, साम्यावस्था में कब आएगी, जब उसमें जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगे, संतुलित अवस्था में, तो वो वस्तु साम्यावस्था में आएगी। और उस साम्यावस्था के कारण दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, या तो वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, स्थैतिक होगा, या वो डायनामिक यानी गतिक होगा, स्थैतिक होगा या गतिक होगा। स्थैतिक होने पर यदि वो लगने वाले बल उस वस्तु को क्या करते हैं, उस रिजल्टेंट या परिणामी बल के कारण वस्तु क्या करे, वो रोक देगी, या वो वस्तु अपनी गति में अगर है तो साम्यावस्था के कारण वो गति ही करती रहेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि साम्यावस्था का मतलब ये हो गया कि वो वस्तु हमेशा रुकी रही, समझ आ गया मेरी बात, दैट इज द साम्यावस्था। ठीक है, यही लाइन लिखी है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा, 7-8 लाइनें लिखी है ऐसे। तो ऐसा बल निकाय या ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे संतुलन खत्म। कुछ और बताने वाली बातें होगा तो 2 मिनट में लिखा होगा क्लास में, है ना। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम फोर्सेस, इसके लिए एक लाइन लिखो। ठीक है, किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस या बल निकाय, किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर लगने वाला सिंगल फोर्स, लगने वाला सिंगल फोर्स मतलब जितना आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बराबर, हमने एक ऐसा एक फोर्स लगाया, देखो मैंने कहा, चलो मैं लिख लो उसके बाद इसमें बीच में लगने वाला सिंगल फोर्स उस सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, मैं क्या कह रही हूँ, लिखने से ज्यादा आपको अब समझ आएगा, क्योंकि मैं लिखवा दूंगी पूरा आपको नहीं समझ आएगा। इसमें ये कह रहा है किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे अगर बहुत सारे बल लग गए, समझ लो मैंने, किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे मतलब किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे, यानी जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस जितना है हम उसके बराबर, जैसे मैंने कहा ये बॉडी है बहुत भारी चीज है, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया, ठीक है, 2 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है, 3 का 1 लगा रहा है, 4 का 1 लगा रहा है, 5 का 1 लगा रहा है, तो मैंने मान लिया टोटल फोर्स जो भी आया मैंने मान लिया एक्सपेरिमेंट 12 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपका नाम क्या था, मैं ध्रुव, ध्रुव, अब मैंने क्या कहा कि ध्रुव को कहा कि 12 न्यूटन का बल को यहाँ लग गया, तो उससे क्या हुआ, मुझे अगर अगर एक जगह से बल लगेगा तो गिर जाएगा, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे जो बल लग रहे हैं, बलों का समूह लग रहा है, मुझे वो 12 न्यूटन इसको बैलेंस करने के लिए, मुझे 12 न्यूटन का बल जितना इधर से लग रहा है 12 न्यूटन का बल मुझे किधर से लगाना पड़ेगा, ध्रुव से अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। आई मेरी बात समझ, तो अगर किसी बल निकाय पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर लगा है उस सिस्टम फोर्सेस के बराबर परंतु विपरीत दिशा में अगर हम कोई बल लगाते हैं, कोई सिंगल फोर्स लगाते हैं, यहाँ तो बल निकाय काम कर रहा था, ग्रुप ऑफ फोर्सेस काम कर रहा, यहाँ मैंने उसके बराबर जितना यहाँ था उसके बराबर एक सिंगल फोर्स लगाया, तो ये सिंगल फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, ये हिले गए, समझ आ गया बात, दैट इज इस, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एक तरह से रिजल्टेंट फोर्स हो गई ना, तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या कर देती है, इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यक खत्म। अब इसमें क्या लिखा है, 4 लाइन लिखवाने से अच्छा है मैं आपको 2-3 बार समझा दूँ, ठीक है, दिस इज द गुड प्रैक्टिस, क्योंकि बुक से आप तब भी पढ़ोगे, लेकिन बुक्स की लैंग्वेज आप देख लेते हैं, मॉर्निंग अभी आते हैं मैं क्लास में से पढ़ रही थी, वो रीजन ये था कुछ मैं पढ़ाऊंगी, कुछ उसको एक्स्ट्रा समझाऊंगी,
फिर जब तुम दोबारा कभी भी बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि इधर की लैंग्वेज कुछ थी मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना? क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन को वैसे समझाना चाहिए जो आप इजीली है ना ग्रास्प कर पाओ, क्योंकि है ना अभी मैंने जनरली देखा है जनरल प्रैक्टिस होती है कि हम बच्चों को अलग से पढ़ाए ताकि बच्चों को बुक में ना मिल पाए, फिर बच्चा क्लास में आए फिर बच्चा क्लास में नहीं आता, फिर मन वाले मन से बैठता है क्योंकि जब उसको पेपर में प्रॉब्लम होती है तो वो पेपर की प्रॉब्लम ही तो फेस करना टीचर का काम है, समझ आ गया मेरी बात? तो मेरा मानना है कि अगर आप थ्योरी पढ़ा रहे हो या कुछ लिखवा रहे हो तो आप उसमें लिखवाओ कि एक बार वो यहाँ लिखे, चाहे बिन माने मन से लिख रहे हो, लेकिन जब आप एक बार उसको देख लोगे एक बार बुक से देख लो तो कुछ तो समझ आ जाएगा ना, 10% तो याद आ ही जाएगा, इतना तो क्लिक करेगा तो स्ट्रक करेगा कि भाई हमारे ने क्या बताया था। उसके बाद आपको बेसिक परसेप्शन क्या है, साम्यावस्था का बेसिक बलों की साम्यावस्था का मौलिक सिद्धांत क्या है, इसी बलों कैसे बैलेंस्ड हो गए, ठीक है वो क्या होगी, तो जरा मैं इसको बोल रही हूँ आप सुनिएगा। अब ये तो आपको पता लग गया कि सिंगल फोर्स, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि बस यहाँ तो कोई यहाँ पे 12 न्यूटन का बल लगा हुआ है, इसकी कहानी बता दूंगी, 4 पॉइंट्स बोलूंगी, उसमें पहले से चौथा बताया, मैं चौथे से पहले करने जाऊँगा, ठीक है यही आपको याद रखना। मैंने कहा था अभी कि ध्रुव से मैं यहाँ बल लगाया था, ध्रुव का जो बल था वो एकल बल था सिंगल फोर्स पे, ठीक है इसको नलीफाई करने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए यानी इसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैं इन बच्चों को तो हटा दूँ, इस सिस्टम ऑफ फोर्स तो हटा दूँ और जो ध्रुव का फोर्स है वो लगाऊँ, तो ध्रुव का फोर्स तो एकल फोर्स था ना, तो सिंगल फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, कैसे कर, जब मैंने इधर तो हटा दिया फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स तो हटा दिया और जो सिंगल फोर्स था, सिंगल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स उसको मैंने लगा रखा, तो कैसे हो जाएगा, फिर तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बेसिक परसेप्शन क्या है बलों की साम्यावस्था का, कि सिंगल फोर्स कभी भी वस्तु को साम्यावस्था में नहीं ला सकता, कदम लिख लीजिएगा, सिंगल फोर्स मे नॉट बी बैलेंस्ड, सिंगल फोर्स कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में चाहो तो हिंदी, मे नॉट बी बैलेंस्ड, ठीक है। सेकंड देखिए, जब किसी सिस्टम ऑफ फोर्स का, या सुनिएगा, जब किसी भी वस्तु पे, जब किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स का परिणामी बल शून्य होता है, यानी यहां भी 12 न्यूटन या भी 12, ये प्लस 12 इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा परिणामी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखता है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स का परिणामी बल शून्य होता है तो वो वस्तु हमेशा क्या होती है, बैलेंस, ठीक है। लिख लीजिए द रिजल्टेंट फोर्स, इंग्लिश वाले कितने हैं फटाफट, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, The resultant force of system of forces is zero. Then body will be in equilibrium. बल निकाय का परिणामी बल शून्य होने पर वस्तु हमेशा साम्य अवस्था में होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बल निकाय साम्यावस्था में होगा या वस्तु साम्यावस्था में होगी, दो समान, देखो समझ लो, दो फोर्स लगा रहे हो पर मैग्नीट्यूड, इसे आप अपने आप लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, दो फोर्सेस है इक्वल है 12-12 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वस्तु हमेशा क्या होगी, साम्यावस्था में, इसको तो लिख लोगे इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस विल ऑलवेज बी ब्रेक द बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम, दो विपरीत दिशा में लगने वाले समान बल, दो विपरीत दिशा में लगने वाले समान बल हमेशा वस्तु को साम्यावस्था में ले लेंगे, ठीक है समझ आ गया, कर लिख लोगे इसको। और फोर्थ क्या है,
जब किसी बॉडी पर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करता है, तो अगर आप साम्यावस्था में कोई भी वस्तु लगाते हो, साम्यावस्था में कोई भी फोर्स लगाओगे तो वो उस बल इकाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, आप जब लाइन सुनिए। जब किसी बॉडी पर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करता है, जब किसी बॉडी पर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करता है यानी इस तरफ से, तो दूसरा कोई भी साम्यावस्था में सिस्टम ऑफ फोर्सेस पिंड को या उस वस्तु को प्रभावित किए बिना लगाया जा सकता है। यानी इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है आपकी, और आप उसको साम्यावस्था में, यानी बैलेंस किधर से होगा, जब आप वस्तु इधर, जब फोर्स इधर लगाओगे तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस यहाँ काम कर रहा है, लेकिन साम्यावस्था कहाँ से आएगी, जब आप यहाँ पर लगाओगे। तो अगर साम्यावस्था में, साम्यावस्था कब आएगी, जब आप फोर्स यहाँ लगाओगे, तो दूसरी फोर्स अगर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस इधर है, तो अगर साम्यावस्था में आप कोई बल लगाओगे तो वो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आपने कहा साम्यावस्था में अन्य कोई वस्तु, साम्यावस्था में उस वस्तु पर कोई और बल लगाने पर वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ आने के बाद आप टेक्निकली समझिए, क्योंकि पिक्चर से चीजें ज्यादा समझ आती है रादर देन टू राइट द टेक्स्ट। समझ आ गई मेरी बात, ये आपको करना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले आपको सुन लो, कल मैं बता पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, समांतर चतुर्भुज का नियम। और कल ही होगा त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम कल होगा, जिसमें मैं आपको पहले समझाऊंगी। पहले डेरिवेशन होगी, वो डेरिवेशन हमेशा आती है ईएमएम में, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया ना जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमेशा बच्चों के नंबर ऐसे आते हैं 50 में से 45, 40, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। कोई रुमारी कर ऐसा नहीं होगा जो आपको घर पर खुद जाकर निकालना पड़ेगा, मैं आपको यही रुमारी कर लगाऊँ, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। समझ आ गया मेरी बात, चार ही लेक्चर होते हैं, तो चार में 2 घंटे का लेक्चर तो कभी पढ़ाया नहीं जाता, तो आप मान लीजिए 2 ही लेक्चर होते हैं, तो आप ऐसा सोचें कि आपको बहुत टफ पड़ेगा या फिर आपको दोबारा भी पढ़ना, इससे बिल्कुल आप निश्चित रहिए। अगर यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर, इफ यू आर फ्रिक्वेंटली सीइंग माई वीडियो, जिस भी मोड से आप पढ़ोगे। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको दो चीज बताती हूँ कि किसी भी वेक्टर की, जब मैं कल आपको समझाऊंगी, हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, तो ये मैं कल आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ये सब चीजें आपको बताऊंगी, तो कल आपको लास्ट में जरूर आऊंगा। ठीक है, हाँ देखूंगी, बच्चे बोलने के कल जल्दी आऊंगा। ठीक है।